हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पाइथन की ट्यूटोरियल्स के बारे में। सारे प्रोग्रामिंग को डिस्कस करेंगे, हम लाइव कोडिंग करेंगे। अगर आपके पास एक लैपटॉप है तो आप लैपटॉप ओपन करके बैठ सकते हो साथ में मेरे, और मेरे साथ में कोडिंग कर सकते हो। अगर आप एक डिप्लोमा स्टूडेंट हो या इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो या फिर अपनी जॉब की तैयारी कर रहे हो, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि हम इसमें पाइथन के हर एक टॉपिक को देखेंगे और हर एक टॉपिक पर प्रोग्राम करेंगे। इससे पहले अगर आपने मेरे पाइथन के थ्योरेटिकल पार्ट के टॉपिक्स को नहीं देखा है, वीडियो को नहीं देखा है, तो आप, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप पहले थ्योरी भी पढ़ सकते हो, वहाँ से एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो, और इस वीडियो में मैं आपके सारे प्रोग्राम्स क्लियर हो जाएंगे। चलो यार, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये मैं अभी गूगल कोलैबोरेटर यूज़ कर रहा हूँ। आप कोई भी आईडी यूज़ कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैटर ये करता है कि आपकी कोड की लॉजिक कितनी क्लियर हो रही है। तो मैं आपको स्टार्ट से बताता हूँ कि गूगल कोलैब आप कैसे यूज़ कर सकते हो। आप सिंपल, आपको गूगल पे सर्च करना है गूगल कोलैबोरेटरी, ऐसा एक विंडो खुलेगा। सपोज़ करो हम नई न्यू फाइल बनाते हैं, न्यू नोटबुक पे जाएंगे हम, और हमने एक एक नोटबुक खुल के आएगा अभी। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको डिप्लोमा और इंजीनियरिंग सारे वीडियोस मिलते रहे। देखो यार, ऐसी विंडो खुल के आ गई है। ये बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई पैकेज इंक्लूड करने की, कोई इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं, इसलिए मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। पहले हम इसमें नाम चेंज कर लेते हैं यहाँ पे, सपोज़ पाइथन प्रैक्टिस। ओके, ये आप नहीं भी चेंज करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। चलो यहाँ पे हम कोड टाइप कर सकते हैं। ये कोड प्लस कोड मतलब आप यहाँ पे कोड टाइप कर सकते हो, और प्लस टेक्स्ट मतलब आप कोई यहाँ पे टेक्स्ट भी ले सकते हो। सपोज़ करो आपके प्रोग्राम में कोई आपको डिस्क्रिप्शन डालना है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। गूगल कोलैबोरेटरी की एक बहुत अच्छी यूज़ ये भी है कि आप इसमें जो भी प्रोग्राम करोगे उसको शेयर भी कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलो सबसे पहले सब डिलीट करते हैं और हम स्टार्टिंग से कोड करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में, या फिर आप बोलो कि बेसिक जो पाइथन स्टार्ट होता है, वहाँ पे हम किसी भी लैंग्वेज में पढ़ते हैं प्रिंट कैसे करते हैं एक मैसेज को। तो पाइथन में हम बहुत सिंपली यूज़ करते हैं प्रिंट। आपने सिंपल प्रिंट यूज़ करना है, ब्रैकेट्स के अंदर आप जो भी स्टेटमेंट लिखोगे वो प्रिंट होके आ जाएगी। सपोज़ करो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, जो प्ले की बटन है आपको उस पर क्लिक करना है, आपके प्रोग्राम रन हो जाएगी। तो हमने क्लिक किया उस पर, तो अभी हमारी प्रोग्राम उसकी जस्ट नीचे रन होके आ जाएगी। देखो आप यहाँ पे हेलो प्रिंट होके आ चुकी है। तो आप ऐसे पाइथन के अंदर हेलो प्रिंट या फिर कोई भी मैसेज, स्टैटिक मैसेज प्रिंट ऐसे करा सकते हो आप। सपोज़ करो हमें दो लाइन प्रिंट करनी है, प्रिंट हेलो एंड देन प्रिंट हेलो राज। आपको इस पर सिंपल क्लिक करना है तो ये आपके हेलो राज प्रिंट होके आ गई है। अब हम बात करते हैं, हमें कोई ऑपरेशंस परफॉर्म करना है। सपोज़ करो एडिशन करना है, तो आप सिंपल प्रिंट 2 + 3। अगर आप इसको भी प्रिंट रन कराओगे तो ये 5 प्रिंट होगी। मतलब यहाँ पे सिंटेक्स बहुत ही इजी है पाइथन की। तो ये ऐसे आप प्रिंट मैसेज प्रिंट कर सकते हो सिंपल। अगर आपको एग्ज़ाम में आता भी है कि आउटपुट मेथड क्या होता है बेसिकली, तो आप प्रिंट लिख सकते हो। प्रिंट का आपसे हम लोग आउटपुट यूज़ करते हो, एक एग्ज़ाम्पल डाल सकते हो आप यहाँ पे। फिर हम आगे बात, एक नया हम कोड लेते हैं और हम आगे बात करते हैं ऑपरेटर्स के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिकली डेटा टाइप और ऑपरेटर्स, ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ है। पर डेटा टाइप्स में, डेटा टाइप्स जितने भी टॉपिक्स हैं हम आगे पढ़ने वाले हैं, जैसे न्यूमरिक, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सब हम आगे पढ़ेंगे। पर अभी के लिए हम इसको बस प्रोग्राम करते हैं। तो एक नया कोड लेते हैं और यहाँ सपोज करो यहाँ पे हम हमने एक नया कोड लिया और यहाँ पे आप हम कोई भी नंबर परफॉर्म करते हैं न्यूमेरिक ऑपरेशन। सपोज करो 1:10 हमने लिया, अगर हमें प्रिंट करना है तो प्रिंट ए, अगर आप इसको रन कराओगे तो ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ऐसे आप वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करा सकते हो। सपोज करो हम तुमने लिया 1:10 और हमें स्टेटमेंट और वेरिएबल दोनों की वैल्यू प्रिंट करानी है। वैल्यू ऑफ ए इज, आपको सिंपल डबल कोट से बाहर आना है, कॉमा देना है और ए लिखना है। आप वेरिएबल की कोई भी, जो भी वेरिएबल आपका आपको यहाँ डालो, देखो वैल्यू ऑफ ए इज 10, ठीक है। आप जो भी वैल्यूज डालोगे आप यहाँ पे प्रिंट करा सकते हो। ये थी नॉर्मल प्रिंट मेथड। इसके बाद हम आते हैं एंड, सपोज करो आपको स्ट्रिंग प्रिंट करने का है। सारी प्रोसेस सेम है, स्ट्रिंग हमने लिया, स्ट्रिंग 1 = प्रिंट्स लिया हमने एंड इसको हमने सिंपल प्रिंट किया TR1। ओके,
तो ये प्रिंट करेगा प्रिंट्स, जैसे आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ऐसे सिंपली प्रिंट करेगा, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं ऑपरेटर्स पे, जो पाइथन की जितने ऑपरेटर्स होते हैं उसके बारे में आते हैं। लाइक पाइथन में अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर्स होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। ये सब मैंने ऑलरेडी बता रखा है अपने थियोरेटिकल वाले वीडियो में, जो आपने अगर नहीं देखा तो वो प्लीज़ जाके देख लो, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे हम प्रोग्राम करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से भी, और ऐसे भी जब आप कोडिंग सीखते हो तो ऑपरेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो एक अर्थमेटिक ऑपरेटर से प्रोग्राम हम करते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में क्या क्या आते हैं? एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मॉड ऑपरेटर्स, यू नो रूट, ये सारी चीज़ें अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में हम देखते हैं। तो चलो हम नॉर्मल एक सिंपल प्रोग्राम करके मैं आपको बताता हूँ अर्थमेटिक ऑपरेशन कैसे होते हैं। सपोज करो हमने दो वेरिएबल लिया, ए इक्वल्स टू 10 लिया हमने, बी इक्वल्स टू 20 लिया, ठीक है। अब हमें इन दोनों में ऑपरेशन परफॉर्म करना है, अर्थमेटिक ऑपरेशन। ये क्वेश्चन 100% एग्जाम में आएगा, इसलिए आप ध्यान दे रहे हो। प्रिंट एक मैसेज हम सिंपल प्रिंट करें, अर्थमेटिक ऑपरेशन। सपोज करो हमें एडिशन परफॉर्म करना, तो हमने नॉर्मल सपोज सम वेरिएबल है, सम इक्वल्स टू ए प्लस बी, और प्रिंट किया सम को, कॉमा दो और सम को पास कर दो, ठीक है। तो इससे आपका एडिशन दोनों की हो जाएगी। देखो अर्थमेटिक ऑपरेशन सम ऑफ नंबर्स इज 30, ऐसे ही अगर आपको सब्सट्रैक्शन की करनी तो आप सेम सेम एक वेरिएबल लो सब। मैं आपको एक एक वेरिएबल से भी आगे बताऊंगा कि आप एक वेरिएबल में कैसे कर सकते हो। अभी के लिए आप थोड़ा सा सिंपल में इसको रखना चाहता हूँ, सब इक्वल्स टू ए माइनस बी, एंड उसको प्रिंट कर दो, सिंपल प्रिंट सब्सट्रैक्शन ऑफ टू नंबर इज, ठीक है, एंड एस यू बी। तो अब देखो सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स इज -10, क्योंकि 10 में से 20 जाएगा तो -10 होता है, ये बेसिक कैलकुलेशन है। ये थे अर्थमेटिक ऑपरेशन की, आप सेम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए भी यूज़ कर सकते हो ऐसे सेम, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इसके बाद हम आते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर पे। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है? जहाँ पे हम दो ऑब्जेक्ट्स को, दो वेरिएबल्स को कंपेयर करते हैं, जैसे ग्रेटर देन, स्मॉल देन, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये सारी चीज़ें कंपैरिजन, और इसको रिलेशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं। चलो एक प्रोग्राम इसमें हम लोग करते हैं, सिंपल सा हम दो वैल्यूज ले लेते हैं, ए इक्वल्स टू 10 ले लेते हैं, बी इक्वल्स टू 20, देन उसके बाद हम दोनों को कंपेयर करते हैं कौन ग्रेटर है। तो चलो ठीक है, प्रिंट कंपैरिजन OPRAT, ठीक है, ओके। हम यहाँ पे इफ कंडीशन यूज करेंगे, इफ ए ग्रेटर देन बी कोलन प्रिंट ए इज ग्रेटर। एक बात हमेशा याद रखना पाइथन में, जब भी आप कोई लॉजिक डालते हैं जहाँ पे कंडीशन, वहाँ पे कोलन आता है। फॉर लूप, लूप, इफ कंडीशन, जो भी चीज़ें आप डालो, कोलन डालना कभी मत भूलना। कोलन रिप्रेजेंट करता है इंडेंटेशन को, ताकि आपकी नेक्स्ट लाइन ऑटोमेटिक टैब होके टैब स्पेस वहाँ पे डाल देती है। चलो ठीक है, इसको हम करते हैं एल्स एल्स बी इज ग्रेटर, ओके। अभी हम इसको रन कराते हैं। अब देखो कंपैरिजन ऑपरेटर बी इज ग्रेटर, बी की वैल्यू हमने 20 ली थी, मतलब ये कंपेयर करा यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी। हमने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया, सपोज करो हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं इक्वल्स टू का, ठीक है। हमने दो वैल्यू ली, ए इक्वल्स टू 10, बी इक्वल्स टू 10, और हम यहाँ पे इक्वल्स टू करेंगे, इफ ए इक्वल्स टू बी प्रिंट बोथ नंबर्स आर इक्वल, ओके, अदरवाइज प्रिंट करेंगे नॉट इक्वल, ओके। तो हम यहाँ पे सिंपल एल्स कंडीशन लगा देंगे, नॉट इक्वल, ओके। अब हम इसको रन कराते हैं, बहुत नंबर सारे इक्वल। अगर हम सपोज करो हमने वैल्यू चेंज कर दिया, 10 11 डाल दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा? नॉट इक्वल, ओके। तो आपको समझ में चीज़ें आ गई होंगी कि हम कंपैरिजन ऑपरेटर कैसे परफॉर्म करते हैं। इफ़ कंडीशन जो है, हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में कि इफ़ को कैसे यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है यार? असाइनमेंट ऑपरेटर जहाँ पे हम वैल्यूज असाइन करें, सपोज करो ए इक्वल्स टू 10 हमने लिया, जो हमने ऊपर भी लिया है, इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं कि हम 10 वैल्यू को ए को असाइन कर रहे हैं, और हमने सिंपल प्रिंट कर दिया, प्रिंट
वैल्यू ऑफ ए इज, कॉमा डालो, डबल कोट के बाहर निकले कॉमा डाल के वेरिएबल को पास करो। ये असाइनमेंट ऑपरेटर का बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। उसके बाद हम आते हैं बिट वाइज ऑपरेटर भी है, बट मैं बता तो वो एग्जाम में कभी भी नहीं आएगा और बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट है मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप लिस्ट और टपल यूज़ करते हो तो आपको वहाँ पे मेंबरशिप ऑपरेटर की यूज़ पड़ती है। आप मेंबरशिप ऑपरेटर वो दिखाता है कि वो पार्टिकुलर वेरिएबल और एलिमेंट उस सिक्वेंस का है या नहीं। सपोज करो आपने ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स लिया, आपने लिस्ट लिया जिसमें आपने 5 एलिमेंट डाले, ठीक है। सबसे पहले हम एक लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट 1 बनाया हमने, हमने यहाँ पे 5 एलिमेंट डाले, सपोज ब्लू ग्रीन, ठीक है, एंड रेड, हमने 3 डाला। अब हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि इस कर, अब हमें चेक करना हो कि वो पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट यहाँ इसमें लिस्ट में है या नहीं, तो हम क्या करेंगे। सपोज करो हमने ब्लू डाला, ब्लू इन लिस्ट 1, ओके। अब हमने इसको रन कराया, ट्रू, मतलब ब्लू कलर लिस्ट में है हमारे। सपोज करो हम यहाँ पे कलर चेंज करते हैं, ओके, हमने येलो डाला तो क्या आएगा, फॉल्स। आपको अभी मेंबरशिप ऑपरेटर समझ में आ चुकी होगी। ये दिखा रहा है कि इस जो भी हमने ऊपर सीक्वेंस बनाया, जो भी ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स है उसमें ये नंबर एग्जिस्ट करता है या नहीं, ये जो भी एलिमेंट है वो एग्जिस्ट करती है या नहीं इन चीज़ों में, तो हमने इसलिए मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। उसके बाद हम आते हैं पाइथन के मॉड ऑपरेटर्स पे। मॉड ऑपरेटर्स क्या होता है, मॉड ऑपरेटर क्या होता है, रिमाइंडर को रिप्रेजेंट करता है। सपोज करो हमने लिया a इक्वल्स टू 10, ठीक है, और हमने एक ऑपरेशन परफॉर्म किया रिजल्ट इक्वल्स टू a मॉड 3, ठीक है, और हमने प्रिंट किया रिजल्ट को, ओके, रिजल्ट को हमने सिंपल प्रिंट किया। देखो आउटपुट में आपको दिख रहा है 1, मतलब क्या, जब आप 10 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना रिमाइंडर आता है, 1, मतलब ये मॉड ऑपरेटर रिमाइंडर को आउट रिटर्न करता है, ठीक है। उसके बाद आप कंट्रोल फ्लो पे, कंडीशनल स्टेटमेंट्स पे, इफ स्टेटमेंट होता है, इफ एल्स, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट और इफ एल एफ स्टेटमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, इसको आप थोड़ा ध्यान से देखना। सबसे पहले हम इफ कंडीशन पे आते हैं। इफ कंडीशन क्या होता है, जब आपको कोई एक स्टेटमेंट बस चेक करनी है तो आप वहाँ पे इफ स्टेटमेंट का यूज़ करते हो। सपोज करो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। सपोज करो आपने एक मैसेज प्रिंट किया इंटर वैल्यू ऑफ एन, हम एक नंबर इनपुट ले रहे हैं यूज़र से, ठीक है। यूज़र से इनपुट लेने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल सा वेरिएबल का नाम जहाँ पे हमें वैल्यू स्टोर करनी है, उसका डेटा टाइप, जो हमें डेटा टाइप लेना है उसका इनपुट फंक्शन का यूज़ करते हैं, इनपुट फंक्शन का। उसके बाद हम इनपुट फंक्शन को बंद करते हैं तो आप वो नंबर ले लेते हैं, उसके बाद हम इफ कंडीशन का यूज़ करें, इफ एन मॉड 2 इक्वल टू 0 देन प्रिंट इवन, ओके। तो ये थी हमारी इफ कंडीशन, जहाँ पे हमें बस कोई एक कंडीशन चेक करनी। सपोज करो हमने यहाँ पे डाला 20, देखो क्या इवन आया। अगर हमने यहाँ पे डाला 21 तो क्या आएगा बताओ, 21 डाला तो कुछ भी मैसेज नहीं आया, क्योंकि हमने यहाँ पे बस एक ही कंडीशन डाला है, हमने ये नहीं डाला कि अगर इक्वल टू 0 नहीं हुआ तो क्या होगा। तो अगर सपोज करो हमने एक और कंडीशन डाला, इफ एन एन मॉड 2 इक्वल टू 1 देन प्रिंट ऑड, ओके। अब चेक करते हैं हम अपने प्रोग्राम को, अगर हमने अब 21 डाला तो क्या आएगा, ऑड। बेसिकली हमने कंडीशंस डाला, दोनों कंडीशन को चेक किए, तो आपकी लॉजिक क्लियर होनी चाहिए यहाँ पे। फिर हम एक कोड देखते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट का। इफ एल्स स्टेटमेंट कब यूज़ करते हैं हम इफ एल्स स्टेटमेंट तब यूज़ करते हैं जब हमें दो कोई लॉजिक चेक करना है, ट्रू फॉल्स में हमें रिटर्न करनी है चीज़। हम सेम प्रोग्राम को लेते हैं, ठीक है, हम सेम प्रोग्राम को लेते हैं, प्रिंट इंटर और नंबर, इंटर एन नंबर लिया, यूजर से हम इनपुट ले रहे हैं नंबर, तो एक वेरिएबल ले लेते हैं n इक्वल्स टू इंटीजर इनपुट, ओके। एंड उसके बाद हमें चेक करना इफ एल्स कंडीशन, तो इफ n मॉड 2 इक्वल टू 0 देन प्रिंट इवन। ये सब प्रोग्राम एग्जाम में 100% आने वाले, इसलिए आप थोड़ा प्रैक्टिस अच्छे से करना। एल्स में हम सिंपल प्रिंट करेंगे प्रिंट ऑड, ओके। तो यहाँ पे हमने दो इफ लिया था, क्योंकि हमने एक इफ में इवन किया था, एक इफ में ऑड किया था। बट अगर आपके पास कोई दो ही कंडीशन चेक करनी है तो आपको दो इफ लेने की ज़रूरत नहीं है,
आप एक इफ और एक एल्स ले सकते हो। इंटर नंबर सपोज करो मैं 20 डाला तो इवन आया, ठीक है। अब हम नंबर चेंज करेंगे अपने, तो हमने 35 डाला ऑड आया। तो ऐसे आप इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप इफ़ के बाद कोई भी लॉजिक लिख सकते हो, आपको एग्ज़ाम में जो भी चीज़ें आएंगी। आपके दिमाग में बस ये चीज़ें होनी चाहिए कि आपके थॉट्स और लॉजिक क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद हम कोड लेते हैं नेस्टेड इफ़। तो नेस्टेड इफ़ यार बहुत इजी है। नेस्टेड इफ़ का मतलब होता है कि आप इफ़ के अंदर इफ़ यूज़ कर रहे हो, ठीक है। सपोज करो हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, प्रिंट इंटर और इंटर टू नंबर्स, ओके, या फिर थ्री नंबर्स, जो भी चीज़ आपको लेनी है। सपोज करो हमने थ्री नंबर्स लिया, थ्री नंबर्स। मैं आपको सिंपल एग्जाम्पल बताता हूँ, ओके। A equals to integer input, ओके। मैं इसको सिंपल कॉपी करता हूँ, पर आप कॉपी मत करना क्योंकि यहाँ पे वीडियो में टाइम लिमिट होती है हमारी। तो ओके, इसको हमने नाम चेंज किया, B नाम दिया, इसको C दिया नाम, ओके। मतलब हम तीन इनपुट ले रहे हैं। अब हमें इफ़ कंडीशन यूज़ करना है, ठीक है। हम ग्रेटर देखते हैं। सबसे पहले इफ हमने डाला इफ A greater than B, ओके, देन इफ A greater than C, then print A is greater, okay। आप देखो यहाँ पे मैंने एक if condition ली, जहाँ पे मैंने A को B से compare किया, then A को C से compare किया। although ये program में दो if लेने की ज़रूरत नहीं थी, हमें हम सीधा and operator का use कर सकते थे, but मैंने आपको यहाँ पे nested if का concept बताया कि nested if ऐसी चीज़ें ऐसी perform होती है। suppose करो मैं number लिया 20, 10, 5, ओके। तो देखो अभी A इज़ ग्रेटर, मतलब यहाँ पे A इज़ ग्रेटर आ गया। मैंने यहाँ पे और प्रोग्राम लॉजिक नहीं लिखा क्योंकि मैं आपको बस इफ़ कंडीशन नेस्टेड इफ़ के कॉन्सेप्ट को बताना चाहता था। उसके बाद हम आते हैं इफ एल एफ स्टेटमेंट पे। इफ एल एफ यार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे आपके पास दो से ज़्यादा कंडीशन होते हैं, आप वहाँ पे इफ एल एफ का यूज़ कर सकते हो। सपोज करो आपके पास तीन ग्रेटेस्ट नंबर या फिर चार नंबर आ गए, आपको चार लॉजिक चेक करनी है, तो आप वहाँ पे if elif का यूज़ कर सकते हो। चलो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ if elif का। हम यहाँ पे रिजल्ट चेक कर रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पे मार्क्स डालेंगे तो वो ग्रेड बताना चाहिए प्रोग्राम, प्रिंट इंटर योर मार्क्स, ओके। चलो मार्क्स एक वेरिएबल लिया हमने, इंटीजर इनपुट फंक्शन का यूज़ किया हमने यहाँ पे। मार्क्स वेरिएबल है, इंटीजर डेटा टाइप है, और इनपुट फंक्शन है जो यूज़र से इनपुट लेता है, ठीक है। सपोज करो उसके बाद हमने इफ़ का यूज़ किया। सबसे इफ़ का और एलिफ का सिंटेक्स क्या होता है, इफ़ एलिफ एलिफ एल्स, ओके। आप सबसे लास्ट, सबसे पहले आप इफ़ यूज़ करोगे, देन सबसे लास्ट में एल्स यूज़ करोगे, और बीच में आप एलिफ का यूज़ करते हो। सपोज करो इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन 75 या फिर 80, जो भी आपको लेना आप यहाँ पे ले सकते हो, देन प्रिंट ग्रेड ए, ओके, ग्रेड ए। आप ऐसे, ओके, ये हो गया एक कंडीशन हमारी एल एफ। एल एफ कंडीशन में हमने क्या डाला, ओके, मार्क्स मार्क्स ग्रेटर देन 65 सपोज करो, तो हमने यहाँ पे डाला प्रिंट ग्रेड बी, ओके। तो ऐसे करके हम अपने बहुत सारे कंडीशंस को डाल सकते। सपोज करो मैं इसे कॉपी किया, एंड ये इंडेंटेशन एरर आएगा अभी, ओके, अब नॉट परफेक्ट। यहाँ पे हम डाल देते हैं 55, एंड यहाँ पे डाल देते हैं ग्रेड सी, और लास्ट कंडीशन हम डाल देते हैं एल्स का, जहाँ पे हम फेल डालेंगे, ओके, फेल, ओके। सो अभी हम इस प्रोग्राम को रन कराते हैं और चेक करते हैं कि प्रोग्राम सही है या गलत। इंटरव्यू मार्क्स सपोज करो हमने डाला 56, 8 या 58, ठीक है। तो देखो अब ग्रेड सी आई। अब अगर हमने डाला यहाँ पे 76, ग्रेड ए आई। अगर हमने डाला 30, तो यहाँ पे फेल आ गया। मतलब ये प्रोग्राम, जब आपको एक से ज़्यादा कंडीशन, जो दो से ज़्यादा कंडीशंस यूज़ करनी है, तो आप वहाँ पे एलिफ का यूज़ कर सकते हो, बहुत ही प्रोग्राम आपकी इफ़िशेंट हो जाएगी। इसके बाद हम यूज़ करेंगे लूप के बारे में। लूप क्या होता है, लूप एक साइकिल में चलता है। जब आपको एक से ज़्यादा इटरेशन परफॉर्म करनी, तो हम उस समय लूप का यूज़ करते हैं, ठीक है। पाइथन में दो लूप होते हैं, एक वाइल लूप होता है, एक फॉर लूप होता है। यार वाइल लूप हम कब यूज़ करते हैं और फॉर लूप कब यूज़ करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। वाइल लूप बेसिकली इटरेशन की लूप, आप कोई सा भी लूप यूज़ करो, दोनों लूप इटरेशन के लिए यूज़ होते हैं। वाइल लूप में हम एक पार्टिकुलर कंडीशन तक चेक करते हैं,
और फॉर लूप में हम इटरेशन साइकिल्स परफॉर्म करते हैं, नंबर ऑफ इटरेशन परफॉर्म करते हैं, ओके। तो मैं आपको व्हाइल लूप का एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल बताता हूँ कि व्हाइल लूप आप कैसे परफॉर्म कर सकते हो। सपोज करो हम एक प्रोग्राम लेते हैं सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स का, ठीक है। हम सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स का प्रोग्राम कैसा होता है कि सपोज करो आपने वहाँ पर 10 डाला, तो 1 से 10 तक जितने भी नंबर्स होते हैं उन सब का वो सम बताएगा, ठीक है। तो चलो इस प्रोग्राम को परफॉर्म करते हैं। प्रिंट इंटर द नंबर, सपोज करो आपको कहाँ तक का इनपुट लेना है, 1 से 10, 1 से 50, जहाँ तक भी आप ले सकते हो यूज़र के अकॉर्डिंग। एन इक्वल टू इंटीजर इनपुट, ओके। यहाँ पे हमने इनपुट ले लिया, सम वेरिएबल इक्वल टू 0, 0 पास कर देंगे सम वेरिएबल को। एवरेज लेने आप यहाँ पे एवरेज भी ले सकते हो अगर आपको एवरेज लेना है तो, अदरवाइज एवरेज लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम करेंगे एक इटरेशन के लिए आई लेंगे, आई इक्वल्स टू 1, क्योंकि ये 1 आई क्यों लिया हमने, क्योंकि हम नेचुरल नंबर परफॉर्म करें, मतलब नेचुरल नंबर स्टार्ट होती है 1, इसलिए हमने आई 1 लिया। व्हाइल आई लेस देन इक्वल्स टू 10, या फिर आप यहाँ पे n ले सकते हो, अगर आपने n लिया है तो आप यहाँ पे n भी ले सकते हो। तो चलो हमने यहाँ पे 10 लिया, ओके, कोलन डाला, मतलब 10 तक की सम देगी, सम इक्वल्स टू सम प्लस आई इक्वल्स टू आई प्लस 1, आई इटरेशन हुई है यहाँ पे। उसके बाद हम सिंपल प्रिंट कर देंगे, प्रिंट सम ऑफ नेचुरल नंबर्स इज कॉमा देके सम, ओके। सिंपल इस प्रोग्राम को हम रन कराते हैं। इंटर द नंबर, सब उसको हमने 10 डाला, सम ऑफ नंबर इज 55। आप 10, 1 से 10 अगर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 करोगे तो 55 आती है, आप एक बार करके चेक कर लेना। ये थी वाइल लूप की बहुत ही सिंपल एग्जांपल। इसके बाद हम वाइल लूप की अगर आप बोलोगे तो इवन ऑड की एग्जांपल भी चेक कर सकते हैं। इवन ऑड की एग्जांपल, अगर आपको एक प्रोग्राम आया कि 1 टू n तक, 1 टू 50 तक, 1 से 100 तक सारे इवन और ऑड नंबर डालो, तो आप वाइल लूप से बहुत ईजिली बना सकते हो उसको। सपोज करो हमने प्रिंट, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं पाइथन में, इवन ऑड का ये सब सारे क्वेश्चंस बहुत आएंगे, प्राइम नंबर के क्वेश्चंस बहुत आएंगे, फैक्टोरियल की आती है, तो इसलिए मैं आपको ये सारे प्रोग्राम्स बता रहा हूँ। तब उसको एंटर द वैल्यू ऑफ एन, ओके, हम एन को इनपुट लेंगे, एन इक्वल्स टू इंटीजर इनपुट फंक्शन, ओके। इनपुट फंक्शन हमने लिया आई इक्वल्स टू 1, जे इक्वल्स टू 1, while फंक्शन का यूज़ करें, j लेस देन इक्वल्स टू n, n क्या था हमारा नंबर था, इसलिए हमने j लूप का while लूप का यूज़ किया, अगर j n से छोटा होना चाहिए यहाँ पे। उसके बाद हम इवन ऑड की कंडीशन को चेक करेंगे, if i mod 2 equals to 0, जिनको पता नहीं इवन की कंडीशन क्या होती है, अगर आप इवन नंबर्स को 2 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 0 आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे i mod 2 equal to 0 लिया है। अब हम यहाँ पे करेंगे प्रिंट I is even, ओके, odd, ओके, तो I equals to, उसके बाद हम इंक्रीमेंट करेंगे, I equals to j plus 1, then छः, ओके। हम इसको रन करा के चेक करते हैं कि हमारे प्रोग्राम सही है या गलत। इंटर द वैल्यू ऑफ n, अगर हमने 10 लिया तो क्या होना चाहिए, नेट की प्रॉब्लम, उस वजह से थोड़ा नेट स्लो है, ये टाइम ले रही है।